अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। चूँकि आज ईद का फर्स्ट डे है, इसलिए आप सबको ईद मुबारक। आज मैं बना रही हूँ लंच में भुना हुआ गोश्त। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मेरे पास मटन है, 1 kg से 1.25 kg तक ये मेरे पास मटन है, और ये मेरे पास 1 पाव प्याज है। 3 अदद दरमियाना साइज़ की मैंने प्याज को स्लाइस में काट लिया था। ये मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, और ये मेरे पास है 2 कुटा धनिया है, ये 2 चाय के चम्मच, ये 1 टीस्पून, ये है जी हल्का सा क्रश किया था मैंने इसे, ये ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ये साबुत लाल मिर्च, ये है गोल लाल मिर्च, ये है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून कुटी ये है काली मिर्च, और ये है मेरे पास 1/2 प्याली ऑयल। इन दोनों चीज़ों को जब गोश्त में भूनूंगी उस वक्त डालूंगी। ये मेरे पास कुछ गार्निश के लिए हैं, ये है जूलियन कट अदरक है, हरी मिर्च, और ये लेमन स्लाइसेस है, 1/2 टीस्पून पिसा गर्म मसाला है, जो मैं जब ये गोश्त पक जाएगा फिर उसमें मैं ऐड करूंगी। अब मैं प्रेशर में, ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं ना, ये तमाम लाइन वाली चीज़ें प्रेशर में डालूंगी। ये है जी मेरे पास गोश्त है, फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज, टमाटर, जब ये गल जाएंगे इनके छिलके उतारूंगी, ये लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, ये हल्दी और पिसी लाल मिर्च, ये जी है नमक, और इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। अब इसमें मैं ये शीशे वाले 2 गिलास पानी डालूंगी, 2 गिलास पानी डालूंगी, फिर इसे 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्रेशर लगाऊंगी। मैंने प्रेशर लगा दिया है, जब विसल बोलने लगेगी तो 15 मिनट तक वेट करूंगी, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। जो मैंने गोश्त में पानी और प्याज टमाटर वगैरह लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको चढ़ाया है, इस चीज़ को कहते हैं सौंध कर चढ़ाना। अब मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, मेरा नहीं बकरे का गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसमें जब मैंने प्रेशर खोला था तो इसमें ना पानी था काफ़ी, उसको मैंने तेज़ आंच पर मैंने उसको तकरीबन खुश्क कर दिया है। आप 2 गिलास की बजाय 1.5 गिलास पानी डालिएगा। अब मैं इसमें ये ऑयल और ये मसाला चाट, अब देख लें ये वाले मसाले, ये डाल के इस स्टेज पर अगर आपको पसंद हो तो 1 टमाटर और काट कर भून लें। मैंने 1 टमाटर भी काट के मज़ीद डाल दिया है। इस तरह टोटल इस मटन में 1 पाव टमाटर डले हैं। टमाटर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे घर में मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है, ताकि मसाला ज़्यादा बन जाए। पहले भी मैंने 2 डाले थे, 1 कप डाला है, 1 पाव टमाटर के। अब मैं इन्हें अच्छी तरह फ्राई करूँगी, भूनूँगी। इस मटन को मैं लो टू मीडियम आँच पर अच्छी तरह फ्राई करूंगी। अब गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है, इसे भुनने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे ये गरम मसाला स्प्रिंकल करूंगी और मैं आपको मिक्स करके इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अब खाना बिल्कुल रेडी है और मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का है। आप देखें ज़रा इसकी लुक चेक करें, और इसमें जो कुटी लाल मिर्च नज़र आ रही है और ये जो है साबित धनिया नज़र आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद तो आई होगी। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।